ये है Y91 वीवो का फ़ोन है ये। बेसिकली क्या है, इसमें कोई भी बाईपास का तरीका नहीं होता। अगर आपका फ़ोन में लॉक लग जाती है, फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन लॉक जो होता है उसको अगर बाईपास करना है तो इसमें क्या है, हार्ड रीसेट नहीं होगा, वहाँ पे लॉक मांगेगा। तो जो ऑप्शंस लोगों ने जो बताए थे हमारे वर्कशीट में होते हैं कि कैसे इसको आप अनलॉक कर सकते हो, वो कुछ ऑप्शन मैं आपको उसके अंदर दिखाऊंगा, बट उनमें से कोई भी ऑप्शन काम नहीं करता है। तो आपको वैसे वीडियो प्रैक्टिकली फॉर्म है, जो ये चीज़ें आपको नेट पे मिलती हैं या कहीं भी आपको कोई ट्यूटर सिखाता है कि ये नंबर डायल करो एमरजेंसी कॉल में, ऐसे नंबर जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं ये सारे नंबर डायल करके देख चुका हूँ, बट रिटली नन ऑफ देम रियली वर्क्स। और ये सर वेस्ट ऑफ आपका टाइम है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान ना लगाएं। इससे अच्छा क्या है कि आप सॉफ्टवेयर इससे लो, आपके जो एमटी लॉक अनलॉकिंग जो चीज़ें होती हैं, पेन ड्राइव वगैरह डोंगल्स वगैरह, उनका यूज़ कर सकते हो आप इस चीज़ के लिए। बट एक इमरजेंसी में कोड्स वगैरह लिखने से ऐसा कुछ नहीं होता, ये अपनी कुछ सॉफ्टवेयर मॉडल्स में काम करता होगा, और बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता। ये 2 मिनट की वीडियो में आपको पूरा बता सकता हूँ, और हर एक तरीका हर एक नंबर इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कौन कौन से नंबर मार्केट्स में अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके आप अनलॉक कर सकते हो, बट मोस्टली पे काम ये चीज़ें नहीं करती हैं। सारे नंबर्स मैं आपको जो दिखा रहा हूँ आप उनको नोट कर सकते हो, वहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में काम कर जाए तो बैलेंस बेस्ट है, बट बेसिकली ये काम नहीं करता। अलग अलग से नंबर हैं, आपको कुछ फॉरगेट पासवर्ड में जाके सिक्योरिटी जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें डालने होते हैं, कुछ डायरेक्टली आपको उसमें डालने होते हैं जो इमरजेंसी कॉल लिखी होती है, और सारे तरीके हैं। सारे नंबर आपको उसमें दिखाऊंगा, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ वाइप बेटा, वो भी इसमें काम नहीं करेगा ढंग से। सारे तरीके जो उसमें दिखा रहा हूँ मैंने, सारे A to Z मैंने सारे तरीके यूज़ करे, बट फिर भी ये लॉक नहीं अनलॉक नहीं हुआ। तो हमने भाई MT डोंगल की तब से मैंने इसको अनलॉक कराया फ़ोन को, उससे मेरा काम चला है। इस तरीके से ये चीज़ें नहीं होती है, तो कृपया अपना टाइम आप इन्वेस्ट ना करें।